नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको मिथुन लगन एवं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास सूत्र, आपका जपनीय मंत्र, आखिरकार कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से, जिसकी साधना उपासना करने से, कौन से मंत्र में रिसर्च करने से आपका तत्काल भाग्य उदय हो सकता है, आपके लिए शुभ अंक कौन से हैं, शुभ रंग कौन सा है, शुभ वार कौन से हैं, किस राशि के लोगों से आपको बचकर रहना चाहिए, मिथुन लगन एवं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तमाम तरह की जो एक बहुत ही यूजफुल जानकारी है आज की वीडियो में उस पर परिचर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सभी प्रकार के रत्नों की अंगूठी बनाकर लैब टेस्ट करके सिद्ध पूजा पाठ करके देश विदेश में भेजी जाती है। साथियों, मिथुन राशि एवं मिथुन लगन के स्वामी बुध हैं। बुधम बुद्धि मताम श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के स्वामी, मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वह बुद्धि प्रधान होते हैं, बुद्धि तत्व की उनके अंदर अधिकता होती है। मिथुन राशि वाले जातकों का मुख्य भाग्य रत्न है नीलम। आपको अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति का अध्ययन निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से नौवीं राशि पड़ती है कुंभ राशि, और जो भी राशि व्यक्ति की राशि से नौवें स्थान में होती है वही उसकी भाग्य राशि होती है। आपके भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होने पर निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, और यदि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की स्थिति कमजोर है तो उनको धर्म धक्के खाने पड़ते हैं, गलियों में भटकना पड़ता है, थोड़ी सी सफलता के लिए चप्पलें और जूते घिसवाने तोड़वाने पड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, जीवन की दोपहर ढल जाती है लेकिन सफलता नहीं मिलती। कहने का मतलब केवल इतना ही है, प्रिय साथियों, शनि की स्थिति पर गौर करें। एक अच्छा शुद्ध श्रीलंका का गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड नीलम रत्न अवश्य धारण करें। आपके स्वास्थ्य के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए और एजुकेशन के लिए आप पन्ना पहन सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो यंत्र मंत्र तंत्र में सिद्धि प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी आप ओपल पहन सकते हैं। कुल मिलाकर के तीन रत्न हैं आपके, नीलम, पन्ना और ओपल। अब बात करते हैं आपके जपनीय मंत्र की। जब जीवन में बहुत सारी असफलताओं का मुख आपको देखना पड़े तो आपको भैरव जी की साधना करके ह्रीम बटुकाय आपदु धारण है कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम या ओम बम बटुकाय नमः, यह मंत्र का जाप अनुष्ठान करके आप समस्त प्रकार की समस्याओं से बाहर आने का रास्ता आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में बार बार धन हानि अगर आपके जीवन में होती है तो शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन भैरव जी के या देवी काली के मंदिर में जाकर के श्रमदान करें, वहां पर बैठकर साधना करें, उपासना करें, निश्चित बहुत कम टाइम में आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपके लिए शुभ वार है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। बृहस्पति आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति सातवें और दसवें घर के मालिक होते हैं। सातवां घर मारक होता है, डिजास्टर होता है, डिस्ट्रॉय करता है, विध्वंस करता है, तो बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा आपके लिए घातक सिद्ध होगी। बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा में आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। किसी भी महादशा में शनि बुध और शुक्र की अंतरदशा आपके लिए शुभ जाएंगी, शनि बुध और शुक्र की महादशाएं आपके लिए शुभ जाएंगी। बृहस्पति और चंद्रमा चूंकि आपके मार्केश हैं, बृहस्पति और चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं जाने वाली है, सावधानी बरतें। आपको कुंभ और तुला लगन एवं राशि वाले जातकों से मित्रता करनी चाहिए, व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहिए, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहिए, यह लोग आपसे बहुत ज़्यादा मैच खाते हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक बात मेटल की है, सोना पहनने से आपको बचना चाहिए, चांदी पहनने से भी आपको बचना चाहिए। त्रिलोह का प्रयोग करें या महाअष्ट धातु का प्रयोग करें,
माता पिता की अधिक से अधिक सेवा करें, गुरु का सम्मान करें। गुरु का सम्मान करने से आप बृहस्पति की मार्केश दृष्टि से बचे रहेंगे। तो यह थी मिथुन लग्न एवं मिथुन राशि वाले जातकों को लेकर छोटी छोटी पर बहुत काम की बातें। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। शुरू में जब YouTube चैनल हमने शुरू किया था, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा थे। आजकल सब्सक्राइब की संख्या जो घट रही है, कम लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं।